नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। योगेंद्र यादव बोले, क्या आम आदमी पार्टी अन्य पार्टियों जैसी बन जाएगी? आम आदमी पार्टी में चल रहे विवाद पर योगेंद्र यादव ने कहा कि लोगों ने देखा था कि यह सबसे अलग पार्टी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह पार्टी आम पार्टियों जैसी बन जाएगी। आमतौर पर बहुत ही धीमे बोलने वाले यादव के लहजे में आज थोड़ी तलखी थी। यादव और प्रशांत भूषण ने कहा कि आप आंदोलन से पैदा हुई पार्टी है। यादव ने कहा कि आज भी आप में आंतरिक लोकतंत्र पर चर्चा होती है, एक महीने में बहुत कुछ टूटा है। जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं वे हमारे व्यक्तिगत मुद्दे नहीं हैं, ये वे मुद्दे हैं जिसके लिए हजारों लोग रामलीला मैदान पर इकट्ठे हुए थे। उन्होंने कहा कि वेबसाइट से पार्टी का संविधान हटा दिया गया है, आप में RTI लागू होना चाहिए। प्रशांत भूषण ने कहा कि बार बार हमसे इस्तीफे की मांग की जाती थी, केजरीवाल को SMS भेजा पर वे मिलने के लिए तैयार नहीं हुए। अरविंद की तरफ से कहा जा रहा था कि हम इन लोगों के साथ काम नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी और कैलाश सत्यार्थी महानतम नेताओं की सूची में। फॉर्च्यून पत्रिका ने विश्व के 50 महानतम नेताओं की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी को शामिल किया है। फॉर्च्यून ने व्यवसाय, सरकार एवं परोपकार के क्षेत्र में बदलाव करने वाले असाधारण पुरुषों एवं महिलाओं की इस वर्ष की अपनी वार्षिक सूची में प्रधानमंत्री मोदी को 5वें और सत्यार्थी को 28वें स्थान पर जगह दी है। एप्पल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी टिम कुक इस सूची में शीर्ष पर हैं, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को लगातार दूसरी बार जगह नहीं मिली है। बांग्लादेश में भगदड़, 10 हिंदू श्रद्धालुओं की मौत। बांग्लादेश की राजधानी ढाका के बाहर नारायणगढ़ में पुरानी ब्रह्मपुत्र नदी पर बने लांगल बांध में अष्टमी स्नान के दौरान भगदड़ मच गई। इसमें 7 महिलाओं समेत कम से कम 10 हिंदू श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। ज्यादातर पीड़ित 50 साल से अधिक उम्र के हैं। धोनी को मिला सोशल मीडिया पर समर्थन। विश्व कप सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार के बाद टीम इंडिया सोशल मीडिया पर निशाने पर आ गई। कुछ लोगों ने धोनी की कप्तानी पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया, लेकिन वहीं कुछ लोगों ने टीम इंडिया के कैप्टन कूल धोनी की तारीफ भी की। हार के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी महेंद्र सिंह धोनी बड़े ही सहज अंदाज में दिखाई दिए। क्रिकेट प्रेमियों को हार का गम तो था, लेकिन वे धोनी की कप्तानी का समर्थन भी कर रहे थे। ट्विटर पर धोनी के समर्थन में #DareToBeDhoni ट्रेंड कर रहा था। सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा भी हो रही थी कि धोनी अपनी बेटी जीवा से 3 महीने से नहीं मिले हैं। बॉलीवुड के कई कलाकारों ने भी धोनी के समर्थन में ट्वीट किए। अभिनेता आयुष्मान खुराना ने लिखा कि मैं महेंद्र सिंह धोनी को विश्व का सबसे बेहतर कप्तान मानता हूं। वे लिविंग लीजेंड हैं। बढ़िया खेला टीम इंडिया। बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन रामपाल ने लिखा कि धोनी बेहतरीन खिलाड़ी हैं, हमें धोनी से प्यार है। ट्विटर में एक क्रिकेट फैन ने धोनी की तरफ से लिखा है, गौर कीजिए, जब मैं नेशनल ड्यूटी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2-2 हाथ कर रहा था, मैंने लगातार अपने खिलाड़ियों के विकेट गिरते देखे। उस जंग में कोई टिक नहीं पा रहा था, लेकिन विकेट गिरने की परवाह न करते हुए मैं अंतिम सांस तक लड़ा। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।